गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग अंश वेरी गुड इवनिंग चलिए स्वागत है वेलकम केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है आज ठीक है कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था केमिस्ट्री की पहली क्लास थी कल कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था ठीक है एलिमेंट्स एंड एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था आज पढ़ेंगे हम लोग कुछ कॉमन एलिमेंट्स ठीक है जो हमारे डे मतलब सबसे ज़्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री में वैसे कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं है ना हवा में कार्बन जिनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे लाइफ में इस तरह के कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कल की क्लास में केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ पढ़ेंगे ठीक है आज कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करेंगे ठीक है कार्बन जो है हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है क्यों क्योंकि कल भी मैंने बोला था कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है कार्बन के बारे में कल भी जब हमने बात करी थी थोड़ी बहुत शेयरिंग वैलेंसी वगैरह के बारे में तो हमने ये बात करी थी कि कार्बन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ जैविक जीवित है ना जीव से ऑर्गेनिक मतलब जीवित जो है उनसे रिलेटेड हम लोग जीवित हैं बिल्कुल जीवित हैं तो हमसे सबसे ज्यादा रिलेटेड जो कंपाउंड है वो है कार्बन ठीक है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड जो होता है वो सिक्स होता है ठीक है तो इस हिसाब से इसका कन्फ्यगुरेशन जो है वो क्या हो गया कन्फ्यूगुरेशन हो गया टू कॉमा यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है जो इसका वैलेंस सेल है सबसे जो बाहर वाला ऑर्बिट है जो आउटर मोशन है उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स हैं हैं और जैसा मैंने बताया आपको कि कंफ्यूज होते हैं कि इसको छोड़ना है चारों को या चार एक्स्ट्रा कहीं से लेने हैं तो कार्बन जो जो है वो जो है वो मोस्टली बीच का रास्ता फॉलो करता है वो शेयरिंग करता है ठीक है को बॉन्ड्स बनाता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे आइटम्स और एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है ठीक है कोई गिव एंड टेक नहीं होता शेयरिंग होता है तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कार्बन से तो कार्बन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास ठीक है एलोट्रॉपी कार्बन जो है एलोट्रॉपी शो करता है अब तो एलोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ और मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है तो एलोट्रॉपी और कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ ठीक है कल जैसे हमने आइसोटोप्स पढ़ा ठीक है कल हमने इलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा आइसो बार्स पढ़ा बहुत सारी कल हमने चीजें पढ़ी तो एलोट्रॉप क्या होता है और कैटेनेशन uh, क्या होता है तो कैटिनेशन जो है वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट जो है अपनी चेन बनाता है ठीक है अपनी चेन बना सकता है चेन इन द सेंस जैसे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है ठीक है आउटर मोशियर में ठीक है इस तरह से मान लो चार इलेक्ट्रॉन एक और कार्बन का आइटम अगर, अगर हम यहां ले आए ठीक है इस तरफ इसके पास भी चार हैं तो ये दोनों मान लेते हैं आपस में शेयर करेंगे ठीक है फिर यहां पर भी एक कार्बन आइटम हम डाल देते हैं ठीक है तो ये आपस में शेयर कर लेंगे यहां पर भी एक और हम कार्बन आइटम डाल देते हैं तो ये भी शेयर हो जाएंगे यहां पर भी कार्बन अगर हम डाल दें तो ये शेयर हो गए अब इस बीच वाले कार्बन पर नजर डालिए जो बीच वाला कार्बन है ये जो बीच वाला कार्बन है इसके देखिए क्या हो गया यहां से दो यहां से दो यहां से दो और यहां से दो आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं ठीक है आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं दो दो, दो 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 चार दो छे दो आठ आठ पूरे हो गए इस सेंटर वाले के ठीक है साइड वाले के पास एक दो तीन चार पांच अभी पांच है तीन और कर सकता है तो इसी तरह यहां एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां एक तो कार्बन कार्बन एटम्स जो है आपस में लिंक होकर के काफी ज्यादा शेयर हो सकते हैं ठीक है तो ये हो गया प्रोसेस कैटेनेशन का बिल्कुल सही अंश ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बीच वाले का उसके पास आठ पूरे हो गए तो लेकिन आजू बाजू पर नजर डालेंगे तो अभी इसके आठ पूरे नहीं हुए इसके आठ पूरे नहीं हुए इसके आठ पूरे नहीं हुए और इसके भी आठ पूरे नहीं हुए है ना तो बाकी सब भी और कार्बन एटम्स आएंगे उनसे शेयर करेंगे एक एक ठीक है ये और इधर कार्बन आता जाएगा आता जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कार्बन अपने लिंक्स फैलाता है इसको बोलते हैं क्या कैटेलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखलन ठीक है श्रृंखला बनाते हैं कार्बन के आइटम जो है वो इस तरह से शेयर कर करके चेन बनाते हैं बचपन में चेन चेन खेलते थे ना ऐसे हाथ पकड़ के जिसको भी छू दिया वो चेन का हिस्सा और चेन लंबी होती जाती थी तो कार्बन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैटिलेशन सबसे ज्यादा लंबी चेन बना सकता है कार्बन सबसे ज्यादा लंबी चेन बना सकता है अब ऑक्सीजन को देख लीजिए क्या है ओ टू ऑक्सीजन क्या होता है ओ टू ओ टू या मैक्सिमम चलिए कभी कभी ओजोन बनता है ओ थ्री ओ फोर नहीं बन पाता है ओ फाइव नहीं बन पाता है ओ सिक्स नहीं बन पाता है ठीक है नॉर्मली जबरदस्ती बनाएंगे तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है कार्बन सी इतना भी लंबा चेन बना सकता है कार्बन जो है वो कितना भी लंबा चेन बना सकता है इसका एक है, है? 60, 60 है।, है इसलिए उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे अगली स्लाइड में ठीक है तो कार्बन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला प्रॉपर्टी है कार्बन अपने चेन्स बना सकता है ये मैं क्यों बना बता रहा हूं अभी जैसे आगे पढ़ेंगे ना हम लोग मीथेन इथेन ब्यूथेन वगैरह ये सब कार्बन के बारे में जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे मीथेन गैस के बारे में आपने सुना ही होगा इथेन इथाइल एल्कोहल ये सब चीजें जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कार्बन ही भरा हुआ है हर तरफ कार्बन है एल्कोहल में कार्बन है आपके इनफैक्ट बॉडी में कार्बन है बिना कार्बन के आपकी बॉडी भी नहीं है कम्प्लीट कुछ भी जलाते हैं तो कम्बशन होता है तो कार्बन प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं तो कार्बन हमारे चारों तरफ है भरपूर मात्रा में है ठीक है इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी और ठीक है अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस uh, है जो नेचर में फ्री स्टेट में भी रहता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी रहता है तो एलिमेंट और कंपाउंड का तो डिफरेंस आपको पता है ही ठीक है नहीं पता है, तो एक बार फटा फटाफट बोल देते हैं एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर जो तीन चीज होते हैं क्या क्या होते हैं एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटांसेस कंपाउंड भी प्योर सब्सटांस है ठीक है लेकिन कंपाउंड क्या है कंपाउंड एक से ज्यादा एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। जैसे एच टू ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है वाटर वो एक कंपाउंड लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें ओ टू तो ओ टू क्या है ओ टू है एक मतलब एटम मॉलिक्यूल है तो क्या है वो हो गया एलिमेंट तो एलिमेंट हो गया एकदम बेसिक प्योरेस्ट फॉर्म कंपाउंड हो गया दो एटम्स के केमिकल uh, मिक्सचर को मतलब केमिकली जब प्रॉपर्टीज कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड और मिक्सचर हो गया जब दो या तीन अलग अलग टाइप के एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं आपस में तो केमिकली वो लोग रिएक्ट नहीं करते बस मिक्स हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल नमक बालू और गिट्टी पत्थर कंकर सबको हम लोग अगर मिला दें गिट्टी पत्थर कंकर बालू नमक इन सारी चीजों को एक डब्बे में डाल के अगर हम मिला दें तो वो मिल तो जाएंगे ठीक है कुछ अलग ही वहां पे बन जाएगा लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी उसके अंदर का बालू अभी भी बालू रहेगा उसके अंदर का नमक अभी भी नमक रहेगा उसके अंदर का गिट्टी अभी भी गिट्टी रहेगा उसके अंदर का पत्थर अभी भी पत्थर रहेगा वो लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है ना गैस है फ्लेमेबल है जल सकता है इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन प्राणदायी है वो भी हवा के गैस के फॉर्म में रहता है लेकिन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग मिक्स करते हैं केमिकली तो एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है गीला आ, फील कराता है है ना तो वो एक अलग चीज बन गई इन दो चीजों को मिला के एक अलग नई चीज बन गई ठीक है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ एक न्यू चीज का फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या हो गया वो हो गया कंपाउंड और अगर चार पांच चीजों को मिला दें और कुछ भी नया नहीं बना तो वो हो गया क्या मिक्सचर तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्लियर है तो कार्बन जो है वो नेचर में बाई डिफॉल्ट केमिकल फॉर्म मतलब कि फ्री फ्री स्टेट में भी मिलता है प्योर कार्बन के फॉर्म में भी मिलता है और मिक्सचर के फॉर्म में भी मिलता है फॉर एग्जाम्पल जो कोयला होता है हम लोग का कोल है ना कोल हो गया डायमंड हो गया डायमंड कोल ग्रेफाइट ये सब कार्बन के प्योर फॉर्म्स है मतलब फ्री फ्री फॉर्म्स है कार्बन का ही एक रूप है कोयला जो है क्या है कार्बन का ही एक रूप है पूरा का पूरा कार्बन है वो कोल तो फ्री स्टेट में कोल के रूप में मिल गया और मिक्सचर के स्टेट में कैसे मिला मिक्सचर के स्टेट में मिला हम लोगों कार्बन डाइऑक्साइड है डाइ ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन ये ये सब क्या है ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं <laughs> ठीक है तो फ्री स्टेट में भी मिलता है कार्बन और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है <laughs> बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं है ना बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं मौका मिला नहीं कि केमिकल रिएक्शन चालू कर देते हैं तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं जनरली हम लोग प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाते ठीक है प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं क्यों है? क्योंकि किसी ना किसी आसपास की चीज के साथ वो केमिकल रिएक्शन करके और मिक्सचर के फॉर्म में आ जाते हैं ठीक है कार्बन ऐसा है जो दोनों रूप में अवेलेबल है नेचर में प्योर रूप में भी अवेलेबल है और कंबाइंड रूप में भी अवेलेबल और हम लोग सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल कार्बन है नेचर में मिलने वाले कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है डायमंड इसलिए इसकी कीमत भी इतनी है ना हीरा डायमंड डायमंड की नेकलेस है बहुत कीमती है क्यों कीमती है, क्यों कीमती है? क्योंकि कम मिलता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है बहुत सख्त होता है हम ये भी जानते हैं कि डायमंड जो है वो सबसे टफ सबसे सख्त एलिमेंट है इस धरती पर हीरे को काटने के लिए भी हीरे का ही बना हुआ वो जो हथियार होता है या फिर जो औजार होते हैं उसमें भी डायमंड की कोटिंग की जाती है तभी उससे वो हीरा काट पाते हैं तो डायमंड जो है वो प्योरेस्ट और हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है ठीक है बिल्कुल सही यस तो हमारे पास ये चीज आपको याद रखना कि डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल कार्बन है ठीक है क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि सबसे सख्त सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है धरती पर तो भी आंसर होगा डायमंड और यह भी पूछा जा सकता है कि प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है तो वो भी डायमंड होगा ठीक है अगला है ग्रेफाइट डायमंड के बारे में पढ़ लिया ग्रेफाइट क्या पेंसिल जो आप लिखते हैं बचपन में जो ऐसा शार्पनर में डाल के छील छील के छोटी कर देते थे एक ही दिन में फिर घर आके डन मम्मी से डांट खाते थे अरे आज ही तो सुबह नई पेंसिल दी थी क्या किया तो आप ऐसे छोटी सी ऐसे वो निब दिखा के बोलते हैं यही है जो सुबह दिया था दिन भर ऐसे छील छील के छील छील के खत्म कर दिया तो उसके जो बीच में वो हल्के काले रंग की जो लीड होती थी वो क्या है ग्रेफाइट उसको बोलते हैं ग्रेफाइट जी आर ए पी एच आई टी ठीक है ग्रफाइट तो ग्रफाइट क्या है कार्बन का ही एक रूप है एलोट्रॉपिक फॉर्म है मतलब एक रूप है कार्बन का ही ठीक है विच इज वेरी सॉफ्ट और स्लिपरी बहुत हल्का होता है नाजुक होता है क्यों पेंसिल छोटी क्यों हो जाती थी जैसे छील रहे छीलते, छीलते ही नोक टूट गई इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत आसानी से टूट जाता है ग्रफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत आसानी से टूट जाता है और बहुत ही स्लिपरी भी होता है ठीक है मतलब बहुत फिसलन भरा होता है यह ग्राफाइट की प्रॉपर्टीज है और इसको देखिए इस टर्म को आपको याद रखना है ग्राफाइट बनाने की प्रोसेस क्या है आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या है अगर ये आपको पूछा जाए तो एचएसएन एचएसएन प्रोसेस जो है उसके थ्रू ग्राफाइट को आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है क्रिएट किया जाता है लैब्स में जो पेंसिल बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है ठीक है इसलिए आपको मैंने यहां राउंड कर दिया है इस वर्ड को याद रखना है ग्रफाइट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही टर्म है है एक तो क्या है कि वो कार्बन का रूप है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ठीक है दूसरा क्या है बहुत ही स्लिपरी है तीसरा क्या है बहुत ही सॉफ्ट है आसानी से टूट जाता है और उसको बनाते कैसे हैं तो एच एस एन प्रोसेस से ठीक है अगला रूप देखते हैं कार्बन का अब और दो हमारे पास हैं यहां पर देखिए कुलरिन और ग्राफीन ग्रेफाइट था अब ये ग्राफीन है तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज है हमारे डेली लाइफ में ये जो आप अभी फोन अपने हाथ में फोन से देख रहे हैं उस पर जो टच स्क्रीन लगा, लगा हुआ है है ना जो फोन आप यूज करते हैं उस फोन में जो टच स्क्रीन लगा हुआ है तो टच स्क्रीन के लिए देखिये स्ट्रांग सबस्टांस है ग्राफीन जिसका इस्तेमाल टच स्क्रीन एल एल सी डी टीवी एलई डी टीवी वगैरह जो बनते हैं ये सब में किया जाता है क्यों क्योंकि ये थोड़ा कंडक्टिंग होता है देखिए वैसे आपको बता दे कार्बन क्या है एक सेमी कंडक्टर है कार्बन जो है इन जनरल एक सेमी कंडक्टर है मतलब बिजली थोड़ी बहुत पास करने देता है थोड़ी बहुत पास नहीं भी करने देता है ठीक है लेकिन ग्रफीन जो है ग्राफाइट ग्रफीन जो है कार्बन का जो एक एलोट्रॉप है ये थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल इसको कंडक्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है थोड़ा टफ भी होता है इसलिए इसको टीवी स्क्रीन हो गया एलसीडी एलईडी टच स्क्रीन वगैरह जो है उसके ऊपर कोटिंग के रूप में यूज किया जाता है ठीक है उसके उपर, उसके ऊपर लिए उसको यूज किया जाता है ठीक है और फुलरीन जो मैं बात कर रहा था आपसे सी सिक्सटी के बारे में इसमें साठ कार्बन इसके एक मॉलिक्यूल फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में साठ कार्बन एटम्स होते हैं सिक्स जीरो सिक्सटी साठ कार्बन आइटम्स ऐसे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए साठ कार्बन आइटम्स की चेन बनी हुई है है ठीक और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वो मतलब मतलब एक 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 फुटबॉल की की तरह तरह होता 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 है 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 जो सॉकर बॉल बॉल ना इधर से जुड़ा इधर इधर से से जुड़ा जुड़ा ऐसे मतलब आपस में ऐसे जुड़ते जुड़ते एक बॉल जैसा बना लेते हैं अपने आप को इसका जो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल एक बॉल की तरह दिखता है ठीक है देखिए इसमें क्या होता है बीस सिक्स मेंबर्ड और बारह फाइव मेंबर्ड रिंग्स होते हैं कार्बन के ठीक है बीस सिक्स मेंबर्ड और बारह फाइव मेंबर्ड रिंग होते हैं रिंग मतलब फॉर एग्जांपल देखिए सी 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 ये आपस में अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया ये एक रिंग हो गया और इसमें पांच कार्बन के एटम है तो इसको बोलेंगे फाइव मेंबर रिंग फाइव मेंबर कार्बन रिंग ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार मैंने आपके दिमाग में डाल दिया ताकि आपके सबकॉन्सियस में पीछे ऐसा छुपा रहे कि अगर गलती से कभी क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड फुलरीन से रिलेटेड तो आपको अपने आप याद आ जाए ठीक है तो इसको ध्यान से बस सुन लेना है खाली बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसको देखकर ठीक है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि साठ मेबर रिंग का एक एग्जाम्पल दीजिए मतलब पूछा जा सकता है ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा कभी पूछा गया नहीं है वैसे बट स्टिल क्योंकि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स है इसलिए मैंने यहां इसका एग्जाम्पल ले लिया ये प्रूफ करने के लिए कि कार्बन जो है सबसे ज्यादा कैटिनेशन श्रिंखलन दिखाता है ठीक है चलिए फिर अब कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं ये तो हो गया प्योरेस्ट फॉर्म में जो एलोट्रोप्स मिल रहे थे कार्बन के अभी तक हमने देख लिया ना चार क्या क्या डायमंड देख लिया ग्रेफाइट देख लिया ग्रफीन देख लिया और फुलरीन देख लिया ये चार फॉर्म में कार्बन नेचर में अवेलेबल रहता है नेचर में अवेलेबल है इन चार फॉर्म्स में क्या क्या ग्राफाइट डायमंड ग्रफीन और फुलरीन यूजेस भी देख लिया आपने ग्रफीन जो है वो एल सी और जो मोबाइल फोन की टच स्क्रीन वगैरह होती है उनमें एज अ कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है क्यों क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है ग्राफाइट पेंसिल वगैरह में यूज होता है क्योंकि स्लिपरी और बहुत आसानी से टूट जाने वाला होता है अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ता जाता है जैसे जैसे हम उसको हल्का भी घसते हैं वो टूटता चला जाता है डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है उसका यूज ज्वेलरी वगैरह में किया जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें हमने देख ली यमराज जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं आप अब पढ़ लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में तो प्योर सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में देख लिया अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं कंपाउंड सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक है ठीक है इसलिए नहीं क्योंकि वो जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड में खुद का कोई जहर वहर नहीं होता है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो वो आपके बॉडी में जो ब्लड में एक पार्टिकल होता है एक केमिकल होता है एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम है इसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेना और खून के थ्रू पूरे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बना देता है जिसको बोलते हैं क्या कार्बो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है इस वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो गए ठीक है तो अब वो ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते अब आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में एनर्जी प्रोसेस नहीं हो पाएगा और आपको चोकिंग फील होगी आपका दम घुटने लगेगा और आपकी मौत भी हो सकती है अगर आप ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अपना कोई जहर नहीं होता है अपना कोई विष नहीं होता यह विशैली गैस नहीं है लेकिन लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया तो इसलिए थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड को इंपॉर्टेंट मान करके देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस टर्म को याद रखिएगा ठीक है कि कैसे हमारे लिए हार्मफुल है कैसे हमारे हमारे लिए हार्मफुल है ठीक है और इसको एक्स एस्फिक्सिया भी बोलते हैं जो दम घुटने लगता है हमारा सफोकेशन दम घुटता है जो ठीक है उसको एस्फिक, भी बोलते हैं इसका मेडिकल uh, नाम है ठीक है इस कंडीशन uh, का तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए डेंजरस हो सकता है किन किन सिचुएशंस में डेंजरस है यहां पर देखिए अगर किसी बंद रूम में हम लोग वुड कोल या कोक कोक क्या हो गया कोक पाउडर मतलब पाउडर्ड कोयला है कोयला ही कोक है ठीक है पाउडर्ड कोयला को का एक कोयला का एक रूप है कोक तो लकड़ी कोयला या कोक अगर हम किसी बंद रूम में जला दें ठीक है अभी ठंडी का समय है देख रहे हैं खुद को गर्म करने के लिए चारों तरफ से रूम बंद कर दिया और बोरसी में आग लगा दी लकड़ी डाल करके बैठ ता गए ताप में और उसके बाद नींद आ गई सो गए गलती से भी ऐसा मत करिएगा सोए तो सोए ही रह जाइएगा क्यों भाई रूम बंद है चारों तरफ से जैसे जैसे वो लकड़ी जलेगी धुआं उठेगा रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड भरेगा आप सांस के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और आपका नींद में ही दम घुट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है क्या नहीं करना है तो भाई रूम बंद करके कभी कोयला या लकड़ी वगैरह नहीं जलाना है दूसरा केस होता है कई बार क्या होता है गीजर जो है हमारे घर में गीजर रहता है बाथरूम में गीजर चला दिए बहुत देर से और गीजर की वजह से क्या होता है गीजर में जो हीटिंग होता है उस, उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड कई बार रिलीज होते हैं ठीक है तो इसकी वजह से भी दम घुट जाता है तो ये दो कंडीशन है जब आपको याद रखना है ठीक है लकड़ी कोयला या कोक जलाने से बंद रूम में या बाथरूम में बंद बाथरूम में गीजर चलाने से ठीक है इन दो कंडीशन में मौत हो सकती है, ठीक है और मौत का रीजन क्या होगा एस्फिक्सिया दम घुटना अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड यह हमारे लिए जरूरी भी है क्यों जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस तो के लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं अब ये देखिए यहां ध्यान दीजिए कि पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ 0.03 से 0.05 परसेंट ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है 100 परसेंट अगर हो एटमॉस्फेयर अगर दस हजार हो तो उसमें से सिर्फ तीन या पांच दस हजार अगर मॉलिक्यूल्स तैर रहे हो आपके आसपास हवा में तो हर दस हजार में से तीन या पाँच तीन से पांच जो मॉलिक्यूल होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे इतना कम लग रहा है सुनकर के दस हजार में से सिर्फ तीन या पांच लेकिन बात असल में क्या है कि ये तीन और पांच भी जो है ये बहुत जरूरी है हम इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली कम में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है जब भी कोई चीज जलती है आग लगती है तो आग लगने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है ठीक है आग लगने पर सीओ प्रोड्यूस होता है अध जला अध जला आधा तरीके से मतलब गलत तरीके से जलता हुआ अध जले लकड़ी कोयले में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से जल रहा है मैक्स हवा अच्छे से मौजूद है आसपास जलते समय तो अगर खुली हवा में हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर बंद कमरे में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा क्योंकि हवा कम है आसपास में ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा इसीलिए कोई भी चीज जलाने से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अच्छा फिल्मों में देखा होगा आपने है ना हीरो की एंट्री होती है पूरा हर तरफ सफ़ेद कलर का ऐसा फॉग धुआं धुआं हो रहा होता है और हीरो पूरा ऐसा चश्मा पहनते हुए एंट्री मार रहा होता है है ना कई सारे मूवीज में देखा होगा तो ये जो वाइट कलर का जो धुआं उड़ रहा होता है स्टेज पर या जो क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इफेक्ट फॉग इसको क्रिएट करते हैं ड्राई आइस ड्राई आइस ठीक है dry ice. Dry ice, कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं ड्राई आइस यानी कि वो जो धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अगर ज्यादा देर तक एक्टिंग करने में लगा दिया ना समय अगर शॉर्ट शूट करने में तो हीरो जो है उनको आएगा चक्कर और हो जाएंगे वहीं पर बेहोश सारी हीरो गिरी बाहर हो जाएगी इसलिए क्या करते हैं बस शॉट जैसी रेडी हुआ लास्ट मोमेंट पर लाकर के धुआं तुरंत क्रिएट किया फटाफट शॉट क्रिएट हुआ खत्म क्यों क्योंकि ड्राई आइस जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती है ठीक है इसको रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं ड्राई आइस को रेफ्रिजरेटर्स के अंडर यूज करते हैं और इसका नाम जो है इस नाम को याद रखिएगा ड्राई कोल्ड ठीक है डी आर आई के ओ एल डी डी आर आई के ओ एल डी इसको याद रखिएगा ड्राई कोल्ड क्या है ड्राई आइस का दूसरा नाम है ड्राई कोल्ड नाम से ड्राई आइस को हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी यूज करते हैं ठीक है थेके? और साथ ही साथ जैसे मछलियाँ हो गई है ना मछलियों को पकड़ते कहाँ हैं समंदर में पकड़ते हैं अब बीच समंदर में पकड़ा है मछलियों को वहां से लेकर आ रहे पहले तो किनारे पर लेकर आए फिर किनारे से जो है पूरे देश भर में ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपके सुपर मॉल में मिलता है ना जी चलिए सुपर मॉल में नहीं, नहीं आप गांव की बात करें तो गांव में तो चलो नदी किनारे से मछलियां पकड़ के ले आते हैं लेकिन अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना हुआ मानकर चलिए कि हमने कलकत्ता में मछली पकड़ी अब उसको जम्मू में दिल्ली में और मुंबई में जहाँ बड़े बड़े मुंबई तो खैर बीच के नज़दीक हो गया जो बीच के सिटीज़ हैं इंदौर हो गया जहाँ पे कि मतलब समंदर का कोई कनेक्शन नहीं है अगर वहाँ पे हमें भिजवानी है मछलियाँ तो मछलियाँ तो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसी नॉर्मल भिजवा देंगे तो खराब हो जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं जो पैकेट बनता है उसका उसमें ड्राई आइस का यूज़ करते हैं जो मछलियों का बक्सा बनता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें ड्राई आइस का यूज होता है इसी तरह और भी कई सारी जो खराब होने वाली जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं नीतीश कुमार गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो खराब जल्दी खराब होने वाली जो खाने पीने की चीजें हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी ड्राई आइस का यूज होता है और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड नाम से यूज होता है ठीक है तो इससे क्या होता है देखिए कोल्ड तो रखता ही रखता है ठंडा तो रखता ही रखता है वो खाने पीने के सामान को साथ ही साथ ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है ना क्योंकि ड्राई आइस तो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का सप्लाई खाने के आसपास से बंद कर देता है तो खाना खराब होने का मेन रीजन क्या होता है बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे जर्म्स और कीड़े मकोड़े वो ऑक्सीजन का यूज करके खाने को सड़ाने लगते हैं ऑक्सीजन ही कट गया तो खाना नहीं सड़ेगा तो ड्राई आइस का इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि खाने को सड़ने से भी बचाएं और काफी समय तक ठंडा भी रखे ठीक है तो ठंडा भी रखते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कट भी करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं अक्रिय वातावरण जो है प्रोवाइड करता है ड्राई आइस ठीक है तो हमने दो पढ़ लिए अब तीसरा है कार्बाइड्स इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी नहीं डिटेल्स में चर्चा करेंगे बस आपको जान लेना है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कार्बन अपना रिश्ता बनाता है तब बनते हैं कार्बाइड्स इसको हम लोग पढ़ेंगे कब इसको पढ़ेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ठीक है तब इसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे कार्बाइड्स को अभी बस ये जान लेना है कि जो आपका कोयला का कोल गैस हो गया या फिर जो लिकर हो गया ठीक है एमोनिकल लिकर एमोनी अमोनिया एमोनिय, अमोनिया तो जानते होंगे एन है ना अमोनिया बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस है अमोनिकल लिकर जो है उसके प्रिपरेशन में कोल तार जो रोड बनाने के लिए कोल तार यूज होता है ठीक है उसके प्रिपरेशन में इन सारी चीज़ों में क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है और कार्बाइड्स बनते हैं ठीक है जो आपका कालिक है वो भी एक काइंड ऑफ कार्बाइड है लैंप में जो पुराने समय में लैम्प रात भर जलने के बाद सुबह जो उसके अंदर चारों तरफ काला काला आपको दिखता है वो क्या है वो भी कार्बाइड्स है ठीक है तो कार्बाइड्स कहाँ मिलता है और उसके क्या यूज हैं उसको वो आपको बस जान लेना है ठीक है और इसमें उतना ज्यादा कुछ डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है चलिए भाई कार्बन के बाद आ जाते हैं अब नाइट्रोजन पे कार्बन पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे ना सर कार्बन हाँ नेगेटिव कार्बाइड्स बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात की ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब कनेक्शन होता है कार्बन का तो कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड में उनका जो इंक्लेनेशन है वो ज्यादा रहता है ठीक है नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रल गैस एंड इज नाइदर कम्बस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कम्बशन नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है एक अक्रिय ठीक है अक्रिय गैस है उस वो कोई क्रिया नहीं करता नेचुरल फॉर्म में से, सेट है स्टेबल है न जलने में मदद करता है ना खुद जलता है ठीक है हमारे एटमोसफियर का करीब करीब 80 प्रतिशत हिस्सा यानी कि 79 नाइन परसेंट टू बी एग्जैक्ट सेवेंटी परसेंट हिस्सा नाइट्रोजन गैस है ये जो आप सांस ले रहे हैं तो आप 79 परसेंट नाइट्रोजन अंदर लेते हैं ठीक है नाइट्रोजन जो है वो अपने आप से मतलब रखने वाले इंसानों में से है भाई मैं अपना काम करता हूं तू तो अपना काम कर वो ज्यादा पंगा नहीं लेता किसी से इनर्ट है ना किसी को जल, जलाता है ना खुद जलता है बहुत कूल है जिंदगी का सारा सार पता चल गया है नाइट्रोजन ठीक है मोह माया से ऊपर उठ चुका है ना किसी से जलता है ना किसी को जलाता है ठीक है ये नाइट्रोजन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हवा में सेवेंटी नाइन परसेंट नाइट्रोजन है ठीक है ये बाय वॉल्यूम की बात हो रही है अगर एक लीटर हवा की बात करें तो 790 सौ हवा जो है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में है ठीक है इसके अलावा नाइट्रोजन जो है अलग अलग तरह के नाइट्रेट्स इन वर्ड्स को याद रखिएगा चिली सॉल्ट पीटर चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर ये दो टर्म है ये टर्म कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में आके अगर चिली सॉल्ट पीटर कोई पूछे तो क्या है बेसिकली वो सोडियम नाइट्रेट है सोडियम नाइट्रेट और इंडियन सॉल्ट पीटर कोई पूछे तो वो पोटासियम नाइट्रेट है ये आपको बस याद रख लेना है इसमें मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैंने बस यहां पर मैंशन कर दिया है ये पूछा जा सकता है चिली सॉल्ट पीटर के बारे में पूछा जा सकता है तो चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर दो हैं हमारे पास एक है सोडियम नाइट्रेट एक है पोटासियम नाइट्रेट ठीक है तो इन तीनों फॉर्म में हवा में तो नॉर्मली हमें नाइट्रोजन मिलता ही मिलता है उसके अलावा और नेचर में नाइट्रेट नाइट्राइट्स के फॉर्म में हमें मिलता है सोडियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट ठीक है एनएनो थ्री और के एन थ्री ठीक है कंपाउंड्स ऑफ नेचुरल फॉर्म में कहां कहां मिलता है कैसे कैसे मिलता है ये हमने जान लिया अब कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे अमोनिया भी अमोनिया की बात कर रहे थे ठीक है अमोनिया एक बहुत ही बदबूदार गैस है मतलब उसकी बदबू जो है लिटरली उसका एक्सप्लेनेशन ही है रोटेन एग स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह महकता है अमोनिया जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह महकता है केमिस्ट्री में भी जब उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल लेवल पर क्लास इलेवन ट में जब केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट में अमोनिया गैस एक्सपेरिमेंट आता है तो उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हाँ अमोनिया ही है इस बात का क्या कंफर्मेशन है तो कंफर्मेटरी टेस्ट में ही लिखा रहता है कि एग स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी बदबू वाला गैस है अमोनिया ठीक है पंजेंट एग स्मेल ठीक है इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलाकर के बना जाता है और बनाने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस इसको याद रख लियेगा पूछा जा सकता है आपसे कि नाइट्रोजन अमोनिया बनाने की विधि क्या है वॉट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाइट्रोजन इन लैब्स बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस, ठीक है एन एच थ्री नाइट्रोजन का एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के तीन एटम मिलकर के अमोनिया बनते हैं और बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस और इट हैज पंजेंट ऑर्डर देखिए मैंने अब यहां लिखा हुआ है मैं इसको गोल भी कर दे रहा हूं और दोबारा भी लिख दिया कि अमोनिया जो है उसका एक बहुत ही खराब बहुत ही बदबूदार सड़े हुए अंडे की तरह पंजेंट ऑर्डर होता है ठीक है बिल्कुल सही अंश आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेथड से बनाया जाता है सुमन आप भी शानु कुमार सुमन आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वाह अंश आपने तो केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया चलिए जब आपने लिख दिया तो मैं भी यहाँ पर एक बार रफ में नोट करा देता हूं ठीक है थ्री एच टू प्लस टू एन एच टू एन टू इक्वल्स टू टू एन एच थ्री बिल्कुल सही ठीक है केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे बैलेंसिंग वगैरह होता है थोड़ा बहुत ये भी कभी जान लेंगे आराम से फिलहाल हम जनरल साइंस की नजर से इसको देखते हैं एक ये बैलेंसिंग द इक्वेशन वाली बात हो गई इसको अभी ज्यादा डीप में नहीं देखते हैं तो पंजेंट ऑर्डर के साथ हमारे पास अमोनिया आ गया उसको बनाने का जो तरीका है उसको प्रोसेस बोलते हैं ठीक है थेके? अमोनिया का यूज बहुत है धमाका करने के लिए यानी एक्सप्लोसिव जो रोड काटने के लिए जो डायनामाइट्स बनाए जाते हैं ठीक है उनमें भी अमोनिया का यूज होता है जो खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइजर्स जो बनाए जाते हैं खाद जो बनाई जाती है उस खाद में भी अमोनिया का यूज होता है ठीक है तो अमोनिया के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं हमारे डेली लाइफ में ठीक है यहां यहां पर इसलिए मैंने उपयोग खाद और विस्फोटक आदि बनाने के काम में आता है ठीक है फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव अमोनिया का मेन यूजेज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेन यूजेज में आप क्या क्या लिख कराएंगे फर्टिलाइजर्स पहले उसके बाद में एक्सप्लोसिव ठीक है अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एक प्रोसेस होता है ठीक है नाइट्रोजन साइकिल जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इन्वायरमेंट में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है हमारे मनीष सर ने ठीक है यूपीएससी वाली क्लास में मैं एक लाइटली uh, आपको बता देता हूँ एक आइडिया दे देता हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि हवा में तो मौजूद है ही है नाइट्रोजन ठीक है सेवेंटी तो साइकिल बनता है कि हमारे शरीर में भी कुछ नाइट्रोजन है ठीक है हमारे शरीर में भी कुछ नाइट्रोजन एलिमेंट्स है पेड़ पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पार्ट्स हैं ठीक है जो खाद में जो अमोनिया वो एक्सेप्ट करते हैं पेड़ पौधे तो उनके बॉडी में ही रहता है कहीं ना कहीं वो नाइट्रोजन तो जब वो मर जाते हैं तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको कि राइजोबिया बोलते हैं ठीक है यहाँ यहाँ पर है ना हाँ ये रहा

हवा में छोड़ती है इसके अलावा जो हवा में ऑलरेडी नाइट्रोजन है वो बिजली के कड़कने से बिजली कड़कने से बहुत टेम्परेचर राइज होता है और एक प्रोसेस इनिशिएट होता है उससे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राई ठीक है इन अलग अलग तरह के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इस तरह से एक साइकिल चलता है ठीक है इस तरह से एक साइकिल चलता है कि खाद के रूप में जब पेड़ पौधे सड़ते हैं सड़, सड़े हुए पेड़ पौधे वापस से खाद का रूप बन जाते हैं और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है ठीक है चलिए फिर अब थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है नाइट्रोजन पढ़ लिया कार्बन पढ़ लिया थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं ऑक्सीजन प्राणदायी वायु प्राणदायी वायु यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई तो वो है ऑक्सीजन है ना कहते हैं कि खाना खाए बिना इंसान एक आध हफ्ते एक आध महीने तक भी जिंदा रह सकता है बिना पानी के चार पाँच दिन मैक्सिमम चार पाँच दिन तक बहुत हुआ तो एक दिन एक हफ्ता तक जिंदा रह सकता है बिना पानी लेकिन बिना हवा के बिना सांस लिए दो मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर रिकॉर्ड तोड़ भी किसी ने कुछ बनाया हो तो कभी चार मिनट के आसपास का बनाया हो ठीक है उससे ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता बिना सांस लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सांस लेना ऑक्सीजन ठीक है जब भी कोई हॉस्पिटल में ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होता है तुरंत हम बोलते इसको ऑक्सीजन लगा दो लेग्यूम के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं बिल्कुल सही अंश आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसीलिए जो है हम लोगों की खेती भी जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि एक बार लेग्यूम्स का सीजन आता है उसके बाद कुछ और दूसरा प्लांट करते हैं हर दो फसल के बीच में एक बार हम लोग दाल वगैरह या लेग्यमिनस प्लांट्स को जरूर लगाते हैं गाँव वगैरह में वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो नेचुरली जो है रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन को धरती में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं आप ठीक है <coughs> तो ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेयर अभी जैसे बताया सेवेंटी नाइन परसेंट था नाइट्रोजन तो बाकी का जो इक्कीस परसेंट है लगभग लगभग वो पूरा का पूरा क्या है ऑक्सीजन है ठीक है नाइट्रोजन था सेवेंटी नाइन परसेंट होगा है है ठीक एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर मत जाइएगा दो ही चीज है nitrogen और इक्कीस परसेंट बाकी ऑक्सीजन है और ये सपोर्टर ऑफ कंबस है इस बात को ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन जो है खुद नहीं जलता है ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है ऑक्सीजन सपोर्ट करता है ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट वो आग लगाता है ऑक्सीजन वही मोहल्ले वाली चाची है जो कान भर भर के आग लगाती है ठीक है तो ऑक्सीजन से इसलिए आग के समय हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई कट करो तुरंत या तो हम लोग इसे बालू से ढकते हैं आग जो लगा हुआ स्पॉट है उसको बालू से ढकने की कोशिश करते हैं या उसको उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास फायर एक्सटिंग रहते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड uh, गैस भरा हुआ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छिरक करके उसके आसपास का ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं किसी भी आग के आसपास का ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं ठीक है थेके? तो ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन आग लगाने वाला एलिमेंट है खुद नहीं जलता है ऑक्सीजन उसको मजे लेता है खुद नहीं जलता है वो जलाता है बाकी चीजों को जलने में मदद करता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को जलाना है तो उसके आसपास ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए ठीक है उसके बिना जलेगा नहीं लिक्विड इनफैक्ट कोई जलने वाली ज्वलनशील पदार्थ भी हो फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हो गया फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया फॉर एग्जाम्पल लकड़ी कोयला जो ईंधन के रूप में जिनको जलाया जाता है वो भी बिना ऑक्सीजन के जलेंगे ही नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए कम वसन के लिए खुद नहीं जलता पर उसके बिना कोई और जल भी नहीं सकता है ठीक है लिक्विड ऑक्सीजन इज मिक्सड विथ फ्रेशली डिवाइडेड कार्बन इज यूज इन प्लेस ऑफ डायनामाइट इन कोल माइनिंग देखिए जब कोल माइनिंग करते हैं जब कोल माइनिंग करते हैं तो कोल माइनिंग में क्या करते हैं अगर हम लोगों को डायनामाइट यानी कि बम जो बनता है उसका अगर रिप्लेसमेंट ढूंढना है तो फ्रेश जो तोड़ा हुआ कोयला होता है फ्रेशली डिवाइडेड जो कोयला होता है उसमें हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन को मिलाने से इतना ज़्यादा अमाउंट में जब ऑक्सीजन और कार्बन एक तरह का ईंधन है वो जब supply, जब सप्लाई में आते हैं तो धमाका होता है ठीक है धमाका होता है क्यों क्योंकि कार्बन क्या है बहुत ज्यादा ज्वलनशील है और लिक्विड क्या हो गया वो जलाने वाला है ठीक है और टेम्परेचर डिफरेंस है ही है जैसे ही कॉन्टेक्ट में आए धमाका हो जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और फ्रेशली डिवाइडेड कार्बन को यूज किया जाता है धमाके करने के लिए डायनामाइट के प्लेस में थोड़ी बात ओजोन की करते हैं अभी मैं बात कर रहा था ओ ओजोन इसके बारे में तो मुझे लगता है सबको पता होगा क्योंकि अब तो ये मतलब सदियों से सुनते आ रहे सदियों मतलब सदियों तो लिटरली मत लीजिएगा लेकिन डिकेट से दशकों से तो सुन ही रहे हैं कि हमारे ओजोन लेयर में छेद हो गया है हमारे ओजोन लेयर में छेद हो गया बहुत हल्ला हंगामा हो रहा भाई उसको बंद करो उसको ठीक करो फ्रिज एसी वगैरह का इस्तेमाल कम करो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का इस्तेमाल कम करो ठीक है पॉल्यूशन कम करो ताकि ओजोन लेयर का छेद बंद हो जाए तो क्यों इतना ज्यादा इसके ऊपर क्यों चर्चा हो रही है ओजोन लेयर इतना ज्यादा क्यों परेशान कर रहा है अगर ओजोन लेयर में छेद हो ही गया तो क्या दिक्कत है उससे हमें कोई प्रॉब्लम है क्या ओजोन की एक लेयर है एटमोस्फेयर में हम लोग सभी जानते हैं ठीक है ओजोन की एक लेयर है एटमोस्फेयर में वहीं कहीं होगी ऐसे पंद्रह किलोमीटर ऊपर यहाँ से तो उस लेयर में अगर एक कहीं पर छोटा सा छेद हो गया तो इतना क्या हल्ला हंगामा मचाना है मचाना है बहुत ज्यादा हल्ला हंगा उसको बचाना है क्योंकि अगर वो बचेगा तो ही हम बचेंगे क्योंकि सूरज से जो अल्ट्रावाट रेज आती है जो हमारे स्किन के लिए हमारे बॉडी के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए हमारे सब चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है उस यूवी वी को उस यूवी रेज को ओजोन लेयर रोकती है गार्ड बन के वहां खड़ी है भैया ना तू अंदर जा करके तहलका मचाएगा तू अंदर नहीं हो तो तू बाहर से निकल पहली फुर्सत से निकल क्या कर रहा है ओजोन ऊपर बैठ करके बाउंसर वाला काम कर रहा है ना हमारे लिए प्रोटेक्टर का काम कर रहा है जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके हमारा हार्म करने जा रही हैं उन अल्ट्रावायलेट रेस को वो बाहर ही बाहर भगा रहा है कि चल भाई अंदर तुझे जाके हंगामा नहीं मचाना है किसी को मारना पीटना नहीं है तो बाहर ही चलो अगर उसी में छेद हो जाएगा तो उस जगह से तो आराम से आ जाएगा ना अंदर यू वी रेज यू वी रेज अंदर आ गया हमें लगा हमें अगर लगा तो क्या होगा हमारे स्किन को दिक्कत होगी हमें इरिटेशन होगी जलन होगी और ज्यादा समय तक अगर लगता रहा तो हमें क्या हो जाएगा स्किन कैंसर भी हो सकता है ठीक है कई बार आप देखिए गूगल आपको नोटिफिकेशन देता है जब तेज धूप होती है तो गूगल नोटिफिकेशन देता है कि भाई बाहर बहुत अल्ट्रावाइल रेज है धूप में ना जाइए ऐसा करके गूगल भी हमें नोटिफिकेशन देता है ना बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पर आएगी जो बहुत हार्मफुल होता है बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप ऑक्सीजन फायर लगाता है और सीओ टू फायर को बुझाता है ना सर बिल्कुल सही सानु कुमार सुमन हम तो यही कह ही रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है मोहल्ले वाली चाची है जो आग लगाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो समझाने वाले Uh, क्या बोलें उसको समझाने वाला कौन है पता नहीं समझाने का काम कौन करता है अच्छी बातें समझा करके आग बुझा देता है एनी हाउ वापिस आते हैं टॉपिक पर तो ओजोन जो है वो हमारे अर्थ प्र, को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज को डिफ्लेक्ट करके अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और एक हम हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और सी जो ए सी फ्रिज इन सारी चीजों का यूज कर करके कर करके कर -कर जो उनको खत्म करने वाली चीजें हैं उसका यूज कर करके जो है हम उसमें छेद बनाए जा रहे हैं और छेद को बड़ा किए जा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम अपनी कबर खुद खोद रहे हैं है कि नहीं अभी लग रहा है कि अरे ठीक है हमें क्या है जब तक मैं उसमें छेद होगा तब तक मैं तो हम मतलब ऐसा बुढ्ढे होके मर चुके होंगे अरे तुम्हें क्या पता क्या पता अभी इतना धीरे धीरे हो रहा है अगले दो चार साल में वो छेद अचानक से बड़ा हो जाए और चार पांच साल के अंदर तुम्हें कैंसर हो जाए अभी लग रहा है ना ठीक है हमें तो ऐश करना है मैं तो ए की हवा खानी है गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही खाओ भाई क्या ही बोल सकते हैं लेकिन करके क्या कर रहे हैं हम अपना जो कबर है वो हम अपने हाथों से खोद रहे हैं खोदो कोशिश करना चाहिए कि हमें कम यूज करें ताकि हम अपने ओजोन लेयर को बचा सके देखिए क्या है कॉमन रेफ्रिजरेंट्स ठीक है क्लोरोफ्लोरोबन ये सारी चीजें जो हैं ये डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को मतलब नॉट गुड कॉमन रेफ्रिजरेंट्स जो फ्रिज में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोबन भी जो फ्रिज एसी वगैरह में यूज होता है ठंडा करने का के लिए जो यूज होता है उससे निकलते हैं ये गैस क्लोरो और ये सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं ठीक है उसके अलावा ओजोन का कुछ ब्लीचिंग एक्शन भी है ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है ये तो सभी जानते हैं कुछ लोग कपड़े ब्लीच करते हैं कुछ लोग बाल ब्लीच करते हैं है ना हेयर ऐसा हेयर ब्लीच करके ब्लॉन्ड कर रहे हैं कुछ लोग फेसियल में ब्लीचिंग करवाते हैं तो ब्लीचिंग ब्लीचिंग क्या होता है ब्लीचिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है पार्टिकल्स को जो भी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल कार्बन है तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके उठा के ले गया तो ब्लीच हो गया वहां से एक एक परत गायब हो गई मान लेते हैं इतना बड़ा सा कार्बन का एक ब्लॉक है उसके ऊपर की एक परत गायब हो गई क्यों गायब हो गई तो ऑक्सीजन ने उसको उसको ब्लीच कर दिया ऑक्सीजन ने उसको रिएक्ट करके अपने साथ ऑक्सीडाइज करके ले गया कार्बन डाइऑक्साइड बना करके तो ब्लीचिंग जो है बालों को ब्लीच करने से बालों का कलर चला जाता है कपड़ों को ब्लीच करने से कपड़े का कलर चला जाता है तो कलर कलर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और निकल लेते हैं ठीक है पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं तो ब्लीचिंग जो है वो ओजोन में भी ब्लीचिंग इफेक्ट होता है और क्योंकि ओजोन में क्या ही ऑक्सीजन ही तो है तीन ऑक्सीजन के ही तो टुकड़े हैं ओजोन ओजोन में तो ऑक्सीडाइजेशन ही हो रहा है तो so, ओजोन भी तो एक बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट है, है ना वैसे तो क्लोरीन का यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के लिए ब्लीच बनाया ही जाता है क्लोरीन वगैरह का यूज करके ठीक है राहुल कुमार हिंदी में हो, होता है सर पढ़ाई बिल्कुल अभी तो हम लोग हिंग्लिश फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ठीक है तो भाई ओजोन के बारे में तो ऑक्सीजन के बारे में हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली ठीक है थोड़ा सा ये हिंदी के लिए जो है हमने यहां पर अलग से एक लिख दिया है बाद में ये इसकी पी जो हिंदी वाले हैं अगर उसको उनको ये स्लाइड समझ में ना आई हो तो वो हिंदी इसका हिंदी वर्जन एक पेज में क्योंकि एक पेज में आ नहीं पा रहा था इसलिए अगले पेज में कर दिया अब थोड़ा सा फॉस्फरस के बारे में जानते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे डेली लाइफ के लिए ठीक है ये एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव ठीक है प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है नॉन मेटल है ये नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी है क्या कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता नॉन मेटल है ठीक है तो इसलिए ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है अभी जैसे बात कर रहे थे ना कि कार्बन हमें दोनों फॉर्म में मिलता है नेचुरल में फ्री भी मिलता है और कंबाइंड भी मिलता है ठीक है नाइट्रोजन भी हमें कंबाइंड भी मिलता है फ्री भी मिलता है लेकिन फॉस्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव है इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कभी फ्री मिलता ही नहीं है फॉस्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कभी फ्री नहीं मिलता है हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है ठीक है और क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये यहां पर डालने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे शरीर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉस्फोरस ठीक है जैसे कहते हैं ना कैल्शियम खाओ हड्डियाँ मजबूत होंगी यानी हम जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम जरूरी है तो हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी जरूरी है ठीक है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों का एक बहुत ही इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है बहुत ही जरूरी हिस्सा है बहुत ही आवश्यक घटक है एक ठीक है, है। फॉस्फोरस चाहिए हमारे शरीर के हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्यों क्योंकि इसका पता कैसे चलता है जब अस्थियां जलाई जाती है मतलब बॉडी जलाई जाती है और अस्थियां बच के निकलती हैं जो बोन ऐश होता है जो हड्डियों का राख होता है हड्डियों के राख का अस्सी प्रतिशत हिस्सा फॉस्फोरस होता है तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा हमारे शरीर में फॉस्फोरस का इम्पोर्टेंस है ठीक है तो फॉस्फोरस जो है हमें बॉडी के लिए भी चाहिए तो आपसे अगर कोई पूछे कि फॉस्फोरस का हड्डी मतलब हमारे शरीर में क्या यूज़ है तो आप क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज है हड्डियों जब बॉडी जलाई जाती है फाइनल जो बॉडी बोन ऐश होता है जो अस्थियां होती है उसका अस्सी प्रतिशत हिस्सा जो है वो फॉस्फोरस होता है हड्डियों में कैल्सियम के साथ साथ फॉस्फोरस की जरूरत होती है दांतों को चाहिए फॉस्फोरस है ना क्लोरिन फॉस्फोरस और कैल्शियम वगैरह ये दांतों को भी चाहिए होता है ठीक है अगला एलिमेंट है हमारे पास सल्फर ये इसलिए बताए भाई क्योंकि सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड आपके घर में हर किसी के घर में मुझे ऐसा लगता है कि जमीन वगैरह बाथरूम साफ करने के लिए जो है एसिड का यूज हुआ ही हुआ होगा कभी ना कभी ठीक है तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा रईस लोग हैं तो फिर अब डोमेक्स और पता नहीं क्या क्या वो सब यूज करते हैं ठीक है मिस्टर एंड डोमेक्स और पता नहीं वट लेकिन गांव वगैरह में या थोड़ा सा अगर मिडिल क्लास में आते हैं हम तो वहां देखेंगे हर घर में हर घर में जो है एक पीले रंग की मतलब एक गंदी सी बॉटल होती है जिसमें पीले कलर का एक लिक्विड भरा हुआ होता है वो लिक्विड होता है एसिड और मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है क्या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हल्का किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ सल्फर इसीलिए मैंने कॉमन एलिमेंट्स में सल्फर को भी डाला है क्योंकि सल्फर बहुत कॉमन है हमारे आसपास हम लोग को हर रोज दिखता है सल्फर इज वेरी कॉमन हमारे आसपास हर रोज दिखता है तो सल्फर भी जो है दोनों में आता है फ्री स्टेट में भी आता है वोल्केनिक ज्वालामुखी के आसपास जो है सल्फर फ्री फ्री स्टेट में आता है मतलब प्योर सल्फर के फॉर्म में और वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या और भी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तो ऐसे अलग अलग तरह के कंबाइंड फॉर्म में भी सल्फर आता है ठीक है तो सल्फर भी उनमें से है जो दोनों स्टेट में आते हैं फ्री भी और कंबाइंड भी रोमबिक सल्फर जो है तो उसमें से रोमबिक सल्फर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बाकी सारे फॉर्म भी जो है वो धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के, अ, केमिकल रिएक्शंस करके इसी फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं रोमबिक सल्फर ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड जैसे बात कर रहा था इस, इसको ध्यान दीजिएगा और इस इन नामों को याद कर लीजिएगा मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल्स देख रहे हैं आप किंग ऑफ केमिकल्स किंग ऑफ केमिकल्स सारे केमिकल्स का राजा किंग ऑफ केमिकल्स कौन है भाई सल्फ्यूरिक एसिड इसका दूसरा नाम क्या है ऑयल ऑफ विट्रियोल ये आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रियोल और किंग ऑफ केमिकल्स ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं बिल्कुल सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर भी यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के काउंट के हिसाब से ही हम लोग पॉल्यूशन इंडेक्स को डिसाइड भी करते हैं ठीक है तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात अब करते हैं तो जैसे हमने बताया आपको कि एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड उसकी पानी के प्रति जो उसका प्यार है वो पागलपन से भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड को पानी बहुत ज्यादा पसंद है एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर वेरी हाई वेरी वेरी हाई इसका मतलब जहां कहीं पानी दिखेगा वो ले लेगा सल्फ्यूरिक एसिड को जहां कहीं भी पानी दिखा वो खींच लेगा क्यों क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है वाटर के टूवर्ड्स प्यार है इसको पानी से इस वजह से इसको एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसी भी चीज को डिहाइड्रेट करने के लिए किसी भी चीज से पानी को पूरी तरह से सोख लेने के लिए क्या यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है ठीक है कोरोजन भी होता है इसकी वजह से कोरोसिव एक्शन मतलब किसी भी चीज को खा जाना बोलते हैं ना यार इसको तो खा गया हम लोग बोलते हैं ना लोहे में अगर आ, पूरा छेद छेद हो जाए क्या बोलते हैं अरे इसको तो जंग खा गया ईट अवे कोरोजिव कोरोड हो गया वो जंग लग के खत्म होता जा रहा है तो जंग लगना अलग है यहां पर है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्या करता है ये पानी खींच लेता है और इस वजह से क्या होता है कि कोरोजन हो जाता है अब जैसे अगर पत्थर को अगर हम रेगिस्तान में छोड़ दें तो धीरे धीरे उसमें से एक तो पहले पूरी तरह से पानी बाहर आ जाएगा और हवा से कटते कटते वो पत्थर भी पूरी तरह से करोड होकर के टूट करके बालू में बदल जाएगा है ना तो अगर किसी भी चीज़ में से पानी को पूरी तरह से खींच लिया जाए निचोड़ लिया जाए आप खुद ही देखिए ना आप पानी मत पीजिए अगर चार पांच घंटे तक पानी मत पीजिए जब आपको प्यास लगनी शुरू होगी तब भी मत पीजिए नहीं ऐसा करिएगा मत प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए दिन भर में कम से कम तीन से चार लीटर पानी आपको पीना चाहिए बट मैं कह रहा हूं कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पी पाते हैं हम पानी तो कैसा फील होता है ये पूरा ऐसा सूख जाता है ऐसा लगता है बदन को कोई निचोड़ रहा है मतलब क्रोड हो रहे हैं लगता है कि अब हम खत्म हो रहे हैं है ना खटपटाहट हाँ आने लगती है तो किसी भी चीज़ से अगर पानी को पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए खींच लिया जाए तो उसका क्रोजन होना स्टार्ट हो जाता है वो खराब होना शुरू हो जाता है तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी मतलब सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी चीज़ से पानी को खींच लेता है तो क्या होगा क्रोजन होगा वो खत्म होने लगेगा सामने वाला चीज है ना तो हमने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें सीखी सल्फ्यूरिक एसिड से क्या क्या तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है कि उसको पानी बहुत ज्यादा पसंद है जहां कहीं पानी देखा नहीं कि खींच ले यानी कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ठीक है दूसरा क्या है इसको आ, कोरोजन क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसलिए ये भी करता है और इसको ऑयल ऑफ विट्रियल और किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं इसके पीछे का रीजन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑलमोस्ट हर किसी को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है घोल सकता है इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी दूसरे एलिमेंट को जो है ये घोल सकता है अपने अंदर मोस्ट ऑफ द केमिकल्स को अपने अंदर ये घोल सकता है ठीक है हाइपो ये याद रखिएगा हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का शॉर्ट नेम है दूसरा नाम है ठीक है हाइपो ये यहां हाँ पर मैंने क्यों किया कि फोटोग्राफी जब पहले होती थी अभी तो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई पूरी तरह से कैमरा डिजिटल कैमरा लिया क्लिक 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 लिया मेमोरी कार्ड में पूरा स्टोर हो गया मेमोरी कार्ड निकाल के जो करना है कर लिया सब डिजिटल ही हो रहा है ठीक है लेकिन कुछ समय पहले तक जब वो वाली फोटोग्राफी होती थी जब शायद अगर आप में से किसी को पता हो किसी ने देखा हो मुझे नहीं पता मैंने तो देखा है जब वो रील होती थी है ना कैमरे में वो रील होती थी वो लगा करके ऐसे बत्तीस या छत्तीस की रील होती थी बत्तीस की होती थी छत्तीस की होती सर छत्तीस फोटोज की वो रील होती थी खींचते थे फिर रील को साफ कराने ले जाते थे फिर वो डार्क रूम में साफ करके हमें ऐसे स्क्वायर में फोटो बना बना करके देता था स्टूडियो वाला उस समय की जो फोटोग्राफी होती थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसमें यूज होता था सोडियम मतलब सिल्वर सिल्वर हेलाइड उसमें यूज होता था सोडियम थायो सिल्वर थालाइड जो है इसका इस्तेमाल होता था फोटोग्राफिक पेपर जो फोटोग्राफिक पेपर होता था पहले है ना उससे पहले की बात करें तो जो इंस्टेंट वाले आ, फोटो होते थे ऐसे फोटो खींचा और इधर से ऐसे निकल कर आ गया उसको हवा में ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक सुखाया तो उसके ऊपर एक बढ़िया सी फोटो निकल के आ जाती थी इंस्टेंट वाला उसमें भी जो है इसका यूज होता था क्या सिल्वर है का यूज होता था फोटोग्राफिक पेपर पे ठीक है तो कुछ अनडिकम्पोज रह जाते थे साफ करने के लिए जो कहा जा रहा है तो साफ करने के लिए यूज किसका किया जाता था सोडियम थायोसल्फेट ठीक है जब फोटो डेवलप कर ली गई तो उसको साफ करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का मतलब फिल्मों में तो देखा होगा आपने किसी ना किसी फिल्म में ऐसे दिखाते हैं डार्क सीन ऐसे एक बड़ा सा ट्रे होता है ट्रे में बहुत सारे पानी जैसा कुछ होता है पानी में बहुत सारा डाल देते हैं फिर उसको ऐसे निकाल के ऐसे क्लिप लगा के सुखाते हैं है ना डेवलप करते समय अगर देखा हो तो, तो उसमें ही यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है यह सल्फर का एक कंपाउंड है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसको याद रखना है ठीक है फिक्सिंग एजेंट बोलते हैं इसको फिक्सिंग एजेंट किसी भी चीज को ठीक करने के लिए फिक्स करने के लिए अब आते हैं हेलोजेंस पे हेलोजेंस हेलोजेंस, वो हेलोजेंट्स वाला हेलोजें नहीं ग्रुप सेवनटीन वाला हेलोजेंस ठीक है ग्रुप सेवनटीन वाला हेलोजेंस ये हेलोजन टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक होगा तो हेलोजेंस जो है हेलो नहीं। नोबल गैस भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हेलोजेंस जो है वो हो गया ग्रुप सेवनटीन यानी कौन सा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन, ये वाला जो ग्रुप है नोबल गैस के जस्ट बगल वाला ग्रुप बहुत हाईली रिएक्टिव ग्रुप है बहुत हाईली रिएक्टिव मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव इतना ज्यादा रिएक्टिव कि किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है ऑलमोस्ट हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है अल्फा आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स देर डू नॉट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट अभी अभी जैसे बोल रहे थे पीछे भी देखा ना फॉस्फोरस में जैसे उसी तरह ग्रुप सेवनटीन जो है पूरा हेलोजेंस इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा क्लोरीन आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा क्लोरीन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन कभी करता नहीं है गैस बनाना पड़ता है क्लोरीन गैस अलग से बनानी पड़ती है सोडियम क्लोराइड एनएसीएल कल ही एग्जाम्पल दिया था हमने कॉमन सॉल्ट के फॉर्म में हमें क्लोरीन मिलता है ठीक है कॉमन सॉल्ट के फॉर्म में क्लोरीन मिलता है मिलेगा हर जगह लेकिन फ्री स्टेट में कहीं नहीं मिलेगा बहुत हाईली रिएक्टिव है इसलिए कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन चूसने की हमने कल ही देखा था वैलेंसी जब पढ़ रहे थे उसी में पढ़ा था कि सात होते हैं इनके आउटर सेल में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह वाला जो ग्रुप है ग्रुप सेवनटीन उसमें सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में उसको सिर्फ एक ही चाहिए स्टेबल होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो चाहत है जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है हेलोजेंस में होती है ठीक है और इसीलिए जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन ठीक है क्लोरीन से आयोडीन तक आते आते ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी कम होती जाएगी ठीक है दो हेलोजेंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है क्लोरीन और आयोडीन ठीक है क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्यों क्योंकि इसको डिस है ना क्लोरीन का यूज करते हैं ना ब्लीच करने के लिए किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए घाव वाव भी जब हो जाता है तो साफ करते हैं तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है क्लोरिन से ही ब्लीचिंग होती है पानी की ब्लीचिंग हो गई या क्लोरीन छिड़कते हैं हम लोग आपने सुना ही होगा ये तो डेफिनेटली सुना होगा बाथरूम वगैरह की जब सफाई होती है तो क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है तो क्लोरीन का यूज जो है ऑक्सी क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्लीचिंग एजेंट है तो पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है सबसे ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट है तो कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन का यूज होता है तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है ठीक है फिर पेपर इंडस्ट्री हो गया जो आप पेपर लिखने वाला पेपर है वो भी तो ब्लीचिंग उसमें भी होती है तो वहां भी क्लोरीन का यूज होता है तो आपको पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का यूज या इनमें से किसका यूज पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है वहां आपका साथ सीधा सीधा जवाब होगा क्लोरीन ठीक है बिल्कुल भटकना नहीं है बिल्कुल ही आ, कुछ और सोचना ही नहीं है ठीक है क्लोरीन एक एसिडिक गैस है तो पहले लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा बाद में उसको ब्लीच करके जीरो भी कर देगा पहले तो एसिडिक है तो ब्लू से रेड करेगा उसके बाद ब्लीच कर देगा क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट भी है और आयोडीन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्यों क्योंकि आयोडीन का जो है वो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए हमने कल भी पढ़ा था ठीक है कल भी पढ़ा था आइसोटोप्स वाले में आयोडीन का एक आइसोटोप जो है आयोडीन 132 कल वाला पीडीएफ देख लीजिएगा आयोडीन 132 आयोडीन का जो एक आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है क्यों ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए ठीक है इसका पहचान क्या है तो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू करता है ठीक है स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू टर्न कर देता है इसके अलावा और कहा मिलता है चिली सॉल्ट पीटर में भी मिलता है जो हमने अभी भी देखा था सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, उसमें भी एक वो क्या है वो एक तरह का ओर है चिली सॉल्ट पीटर जो है वो एक ओर है नेचर में मिलता है पत्थरों के रूप में उसमें सिर्फ सोडियम नाइट्रेट है ऐसा नहीं है बहुत सारे का मिक्सचर होता है तो एक आयोडीन भी उसमें रहता है देखो फाइव से ट्वेंटी परसेंट उसमें सोडियम आयोडेट एन फॉर्म में भी रहता है ठीक है आते हैं नोबल गैसेस पर फटाफट पांच मिनट में देखते हैं और आज की क्लास अब यहां पर एंड करते हैं ठीक है नोबल गैसेस कल भी इसके बारे में थोड़ा सा देखा था हमने क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है बाहर वाला जो है वो कंप्लीट होता है उसमें आठ पूरे होते हैं तो ये बहुत ही मतलब रॉयल किस्म के होते हैं एकदम नाम ही है नोबल गैस वी आर नोबल वी डोंट टॉक टू यू नो पुअर पीपल वी आर रिच पीपल ठीक है ये ये उनका एटीट्यूड होता है नोबल गैसेस का हमारे पास तो सब कुछ है, है ना भाई राजा महाराजाओं का क्या था हमारे पास तो सब कुछ है हमें गरीब लोगों से क्या है वही वाला एटीट्यूड इनका भी है इनके पास अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर इसलिए और किसी की जरूरत ही नहीं है तो ये जो गैसेस हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और ये जो पांच छह गैसेस हैं इन सभी को बोलते हैं नोबल गैस या इनर गैस या रेयर गैस ठीक है नोबल गैस या इनर्ट इनर्ट मतलब इसका इनका किसी से लेना देना नहीं है नोबल गैस इनट गैस या फिर रेयर uh, गैसेस क्योंकि ये नेचुरली uh, हवा में कम मिलते हैं ठीक है रेयर रेयर मिलते रेयरली मिलते हैं इसलिए रेयर गैस बोलते हैं इसको बिल्कुल सही अंश आपने बिल्कुल सही कहा ये जो छह गैसेस हैं इनको ही बोलते हैं रेयर गैस तो इनका जो है वैलेंस सेल पूरा कंप्लीट होता है अभी अभी जैसा मैंने आपको बोला फील्ड वैलेंस सेल यानी कि जो बाहर का जो सेल होता है जो जिसमें आठ चाहिए होते हैं वो आठ कंप्लीट होते हैं एटमोस्फेयर में बात करें तो आर्गन सबसे ज्यादा होता है लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में हीलियम सबसे ज्यादा है सन पर भी जो है हाइड्रोजन मिल मिल करके हीलियम बने जा रहे हैं तो अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हीलियम गैस सबसे अबंड मात्रा में है हीलियम आ, नोबल गैस जो है और अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो उसमें आर्गन है इस पॉइंट को याद रखना आपको ठीक है अगले तीन पॉइंट नेचुरल गैस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसका हीलियम है। हीलियम है का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हीलियम कहां से मिलता है हमें तो जो नेचुरल गैस बनाई जाती है सी जो है कम्प्रेस नेचुरल गैस ठीक है तो नेचुरल गैस या जो नेचुरल गैस बनती है या बनाई जाती है गैस प्लांट्स में बायोग प्लांट्स में तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ठीक है हीलियम का मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन देखिए इन चीज़ों को अब याद रखना ये पॉइंट आप देख लीजिए समझ लीजिए बाद में रिवाइज भी कर लीजिएगा मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन पचासी प्रतिशत सॉरी वो तो बलून्स वाली में पॉइंट में थीक है ठीक है ठीक है हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको अस्थमा के पेशेंट ये जो देखते हैं ना आप अस्थमा के पेशेंट्स जो ऐसा पंप यूज करते हैं ठीक है उनको ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए यूज कराया जाता है ठीक है तो अस्थमा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हीलियम एंड ऑक्सीजन ये आपको याद रखना है देन अगेन उसी तरह पचासी परसेंट ही और पंद्रह परसेंट हाइड्रोजन का यूज किया जाता है क्यों जो आप पार्टियों में जाते हैं या फिर कहीं अगर मेला वेला लगा हुआ है वहां जा रहे हैं ऐसे देखते हैं बलून हवा में उड़ रहे होते हैं ना बलून वाला एक बड़े से सिलेंडर से बलून में गैस भर रहा होता है और वो हवा में उड़ रहे होते हैं ऐसे उंगली में बांध के बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं तो उस बलून में जो गैस भरी हुई होती है उसमें पिचियासी प्रतिशत हीलियम होता है पंद्रह परसेंट हाइड्रोजन होता है इस बात को याद रखिएगा जो एयरशिप्स वगैरह होता है उसमें भी उसके गुब्बारे वगैरह में भी भरने के लिए एटी फाइव परसेंट ही पंद्रह परसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र में गोता लगाने वाले जो डाइवर्स होते हैं है ना जो डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में गहरे गोते लगाते हैं वो जो पीठ पर सिलेंडर बांधते हैं उस सिलेंडर में भी हीलियम का इस्तेमाल होता है उसमें भी हीलियम एंड ऑक्सीजन सेम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जहां भी बात आएगी कृत्रिम रूप से सांस लेने की जहां भी बात आएगी वहां हीलियम और ऑक्सीजन की बात होगी ठीक है रॉकेट में यूज होता है जो लिक्विड नाइट्रोजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो ईंधन की तरफ यूज होते हैं ईंधन की तरह यूज होते हैं उनको पुश करने के लिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए हीलियम का यूज होता है क्यों हीलियम तो जलेगा नहीं इनर्ट है हीलियम जलेगा नहीं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए ना जो खुद रिएक्ट ना हो बट दूसरों को धक्का दे तो इसीलिए हीलियम का इस्तेमाल होता है ठीक है और इसके बाद लास्ट स्लाइड आज की रेडॉन का इस्तेमाल जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में बनने वाली जो दवाई है उसमें किया जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया तो आज तो हमने बे कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कल हम लोग केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे पानी पानी इज केमिस्ट्री तो कल पानी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसी तरह और भी जो डेली लाइफ में यूज होने वाली छोटी छोटी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है तो आज का क्लास तो यहीं पर ख़त्म होता है अभी अगला क्लास आज मॉक टेस्ट है रीजनिंग का मॉक टेस्ट है आज ठीक है अभी साढ़े सात बजे से चलिए फिर मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे अच्छा बाय बाय टेक केयर